Hello friends, so I am continuing my another lecture in this world history series, and in this lecture we will discuss about the Treaty of Versailles. So this Treaty of Versailles was signed after World War I. तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी वर्ल्ड वॉर जैसी मतलब कोई वॉर ओवर होती है तो उसमें जो विक्टर्स होते हैं वो डिक्टेट करते हैं कि टर्म्स क्या होंगी. तो विक्टर्स जो थे इसमें उन्होंने टर्म्स डिक्टेट करी कि क्या होंगी. तो विक्टर्स कौन कौन थे? फ्रांस था, ब्रिटेन था, यूएसए था, राइट. एंड डिफीटेड में मेनली आप देखें तो जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था एंड ऑटोमन एम्पायर भी डिफीट हुआ था. आप कह सकते हैं कि यूएसएसआर वॉज ऑल्सो ऑन द विक्टर साइड, बट आपने अगर वर्ल्ड वॉर वन पढ़ी हो तो 1917 में यूएसएसआर ने विड्रॉ कर लिया था. तब उसका नाम रशिया था, राइट. और उसने विड्रॉ कर लिया था तो वो यूएसएसआर बन गया था जब कम्युनिस्ट रिजीम आ गई. तो हम जब रशियन रेवोल्यूशन डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो मेनली मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि 1917 में रशिया जो था वो वॉर से विड्रॉ कर गया था, ठीक है. तो उसका इतना कंसर्न आएगा नहीं ट्रीटी ऑफ वर्सई में. सो ट्रीटी ऑफ वर्सई इट वॉज, तो हिस्ट्री हम जब भी डिस्कस करते हैं तो ईयर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. तो कब हुआ था ये? जून 1919, ठीक है. तो ये ट्रीटी और ये इस जर्मनी पर इम्पोज करी गई थी, ठीक है. सो और ये पेरिस में है, ठीक है. ट्रीटी ऑफ वर्सई पैलेस जो है वो पेरिस में है, राइट. सो ट्रीटी ऑफ वर्सई के बारे में हम मेन मेन पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं. सो इट वाज अ पीस ट्रीटी साइंड आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर. अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि क्या थी, सो इट वाज अ पीस ट्रीटी विच वॉज साइंड आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर. And it had far-reaching consequences. लेकिन हम इसमें basically consequences पे आगे आते हैं और अभी हम discuss करते हैं कि इसमें हुआ क्या क्या था Treaty of Versailles में. So it was a basically dictated peace, जिसको हिटलर ने भी कहा था कि it was a diktat, ठीक है. So इसमें German representative जो थे वो उनको तो बुलाया ही नहीं गया था, बस उनसे बोला गया था कि आप आ जाओ और paper sign कर दो. और इसमें imposed की गई थी peace. इम्पोस्ट पीस का मतलब क्या है? जर्मनी को बोला गया था, ब्रिटेन फ्रांस ने, कि आपको ये करना होगा, राइट. अलोंग विद दैट कि ट्रीटी ऑफ वर्सी में एक जो बात हुई थी कि उसमें जर्मनी को फ्रेगमेंट कर दिया था. तो जर्मनी काफी बड़ा हो गया था तो उसको तोड़ दिया गया था काफी सारा. कैसे तोड़ दिया गया था मैं उस पर आ जाऊंगा. उसकी जैसे जर्मनी कॉलोनीज जो थी वो ले ली गई थी, ठीक है. ऑल नॉन जर्मन एरियाज वर कन्वर्टेड इनटू न्यू नेशनलिटीज, राइट. और अगर हम उसका दूसरा पॉइंट देखें, सो दिस ट्रीटी वाज अ रिवेंजफुल ट्रीटी. इट वाज अ रिवेंजफुल ट्रीटी. व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ रिवेंजफुल ट्रीटी? बिकॉज अगर आपको जर्मन यूनिफिकेशन पढ़ाओ तो फ्रांस 1870 में हार गया था प्रशिया से, राइट. तो ट्रीटी ऑफ वर्सई में ही, मतलब पैलेस ऑफ वर्सई में ही जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था. तो फ्रांस को तब से था कि मैं कभी ना कभी तो बदला लूंगा. और फ्रांस को ये मौका मिल गया कब? जब वर्ल्ड वॉर वन जर्मनी हार गया, ठीक है. तो फ्रांस को बदला लेना था पूरा का पूरा. तो उसने पूरी ट्राई करी थी कि इसमें मैं बदला लूं. तो इट वाज अ रिवेंजफुल ट्रीटी आप कह सकते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सई. और एल्सेस लोरेन रीजन्स हैं जो जर्मन यूनिफिकेशन के बाद जर्मनी के पास आ गए थे, अब वो वापस फ्रांस के पास चले गए, ठीक है. अलॉन्ग विद दैट एक और इंपॉर्टेंट रीजन था राइनलैंड बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी, और इसको डीमिलिट्राइज कर दिया गया था. डीमिलिट्राइज करने की वजह से क्या है कि यहाँ पर जब फ्रांस को कोई फेयर नहीं रहेगा कि मिलिट्री होगी या नहीं होगी. सो इट वाज अ ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी, क्योंकि जहां पर जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था वर्सई में, पैलेस ऑफ वर्सई में, वहीं पर उसे साइन कराया गया उसके फ्रेगमेंट होने का, ठीक है. सो इट वाज अ ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑल्सो. तो जर्मनी को बस बोल दिया गया था कि आपको ये साइन करना होगा. एंड दे वर मर्डर्ड इनटू साइलेंस विद द थ्रेट ऑफ वॉर, कि आप या तो ट्रीटी साइन करो पेरिस में, अदरवाइज हम आपसे साइन करवाएंगे बर्लिन में. तो जर्मनी ने सोचा पेरिस में साइन करना अच्छा रहेगा, राइट. बर्लिन में तो कुछ करने की जरूरत नहीं होगी. उसके बाद क्या है कि देखिए ट्रीटी ऑफ वर्सई ने क्या किया कि जर्मनी को काफी तोड़ दिया. तो पोलैंड जो है, एक जो अभी जर्मनी और रशिया के बीच में है, ये बना दिया गया और पोलैंड को एक्सेस दे दी गई सी को. सो जर्मन वर नॉट अलाउड टू क्रॉस दिस, ठीक है.
उसके बाद बहुत बड़ी योर वॉच इंडेमनिटी लगा दी, मतलब कि आप जैसे क्या हुआ था, जैसे बैटल ऑफ प्लासी आपको याद हो, बैटल ऑफ बक्सर याद हो, तो वहां पे ब्रिटेन जो हारा करते थे उन पे बोलते थे कि आपको पैसे भी देने हैं, तो वॉर जो हारता था उसे पैसे भी देने होते थे। तो ऐसे ही जर्मनी को भी पैसे देने पड़ रहे, कितने, 6600 मिलियन पाउंड। ठीक है, पाउंड करेंसी याद रखना, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि एग्जाम में मैंने देखा है कि बच्चे काफी लिख देते हैं 6600 मिलियन यूरो लिख देता है, कोई डॉलर लिख देता है, ठीक है, तो वो सही नहीं है, 6600 मिलियन पाउंड है, ये आपको याद रखना है। सो इट वॉज इम्पोज ऑन जर्मनी, और ऑलमोस्ट 70% ऑफ जर्मन इंडस्ट्रीज वर गिवन टू चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, सो अभी चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया अलग अलग कंट्रीज है, अभी चेकोस्लोवाकिया था उसको दे दिया गया था जर्मन इंडस्ट्रीज। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया था सार रीजन है, ठीक है, सार रीजन जो है, जो कोल कोल वहां पे बहुत होता है, इसको लीग ऑफ नेशन के अंडर डाल दिया गया। लीग ऑफ नेशन भी बनाई गई थी ट्रीटी ऑफ वर्सेई के बाद, लीग ऑफ नेशन को दे दिया गया, जैसे यूनाइटेड नेशन है ना वैसे लीग ऑफ नेशन थी उसका, आप कह सकते हैं कि चाइल्ड से भी मतलब थोड़ा छोटा ही कह सकते हैं, लीग ऑफ नेशन काफी छोटा ही था, तो एरिया ऑफ सार जो है वो लीग ऑफ नेशन को दे दिया गया। और ठीक है, तो ये मेनली बात था, और फ्रांस को बोल दिया गया था कि यू हैव बीन गिवन एक्सक्लूसिव राइट टू एक्सप्लॉइट द मिनरल्स फॉर 15 ईयर्स। ठीक है, जो सार था। उसके बाद एक और जगह थी डेंजिग नाम का पोर्ट था, ठीक है ना, इट वॉज डिक्लेयर्ड फ्री इंटरनेशनल पोर्ट। तो ये सब जो जगह थी ना ये जर्मनी के पास थी, और ये सब जगह दे दी गई, मतलब जर्मनी से ले ली गई। ऊपर से एक और चीज बोली गई कि जर्मनी के पास उसको सिर्फ 1 लाख सोल्जर्स ही अलाउड होंगे रखना, उससे ज्यादा वो सोल्जर्स नहीं रख सकता। ठीक है, और विच वॉज इवन लेस देन द बेल्जियम। और आपको पता है, देखिए 1 लाख सोल्जर्स का मैं आपको सिग्निफिकेंस बताऊं तो उसका ये है कि इससे लॉ एंड ऑर्डर जो है ना वो भी नहीं बनेगा जर्मनी, यही कहना हो गया, जैसे इंडिया में कहते हैं नहीं पुलिस बहुत कम है, ऐसे समझ लीजिए कि 1 लाख सोल्जर्स से तो लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं चलने वाला जर्मनी का, ये सिचुएशन थी। लेकिन उसको बोला गया कि आप 1 लाख सोल्जर से भी ज्यादा नहीं रखो। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेई आप देख रहे होंगे कि पूरी वन साइडेड थी, ब्रिटेन और फ्रांस ने पूरा दबा दिया था मतलब, और फ्रांस तो पूरा का पूरा इसमें था कि मेरे को तो जर्मनी को खत्म ही कर देना, ऐसे सोच गया था। हाँ, ब्रिटेन जो था वो थोड़ा चिल था कि यार फ्यूचर में देखिए, ब्रिटेन आप देखेंगे ना हिस्ट्री से जब भी पढ़ते हुए आएंगे तो आप देखेंगे ब्रिटेन बी फॉर बिजनेस, वो हमेशा बिजनेस का सोचेगा फ्यूचर, इसलिए वो काफी आगे था। ब्रिटेन सोचता है कि आगे हमारा मार्केट होगा जर्मनी में, आज आगे हमारे रिलेशंस होंगे, तो इतना ज्यादा दबाना सही नहीं रहेगा। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सेई से पहले वुड्रो विल्सन जो जो अमेरिका के डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट थे, बहुत सालों बाद जो बने थे डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट, उन्होंने 14 पॉइंट फॉर्मूला दिया था कि ये 14 पॉइंट आपको फॉलो करने हैं। एक बार आप देख लेना 14 पॉइंट्स क्या है, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन पीस मेकर्स ऑफ पेरिस डिडंट फॉलो द 14 पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, और विच तो ये सब इसके क्रिटिकल आप इसके मतलब कह सकते हो, क्रिटिक कर सकते हो आप इसका। ठीक है, सो जर्मन्स वर नॉट गिवन द राइट टू डिसाइड देयर ओन फेट, और 3 मिलियन जर्मन जो थे उनको चेकोस्लोवाकिया को दे दिए गए थे, क्योंकि चेकोस्लोवाकिया को रीजन दे दिया गया था, और 1 मिलियन जर्मन जो थे, ये 3 मिलियन है, 1 मिलियन वो पोलैंड को चले गए। ठीक है, तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि नुकसान है, तो देखिए 70% ऑफ जर्मन इंडस्ट्रीज भी दे दी गई थी चेकोस्लोवाकिया के, ऊपर से जब एक टेरिटरी दी गई तो 3 मिलियन मतलब 30 लाख जर्मन चेकोस्लोवाकिया भी गए। ठीक है, तो ये थी पीस ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ वर्सेई। अब देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या था ट्रीटी ऑफ वर्सेई का। ठीक है, इम्पैक्ट अब डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। अगर आप देखें तो ट्रीटी ऑफ वर्सेई में बहुत सारी लिमिटेशंस थी, और पीस मेकर्स ऑफ पेरिस वर एक्चुअली फाइटिंग वॉर विद जर्मनी इन देयर पीस कॉन्फ्रेंस। मतलब आप कह सकते हो कि कोई क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि वॉर डिडंट एंड इन 1918 बट इट कंटिन्यूड इवन इन द पीस कॉन्फ्रेंस, कैसे, वो आप इसमें समझा दोगे कि जर्मनी की वॉर ही चल रही थी। सो आप ये भी कह सकते हो कि पीस ट्रीटी, अगर आप थोड़ा क्रिटिकली लिखो, पीस ट्रीटी वॉज एन आर्मस्ट्रेस, इट वॉज एन आर्मस्ट्रेस फॉर
फॉर 20 ईयर्स, क्योंकि आप देखो ये तो 1918 है और 1939 में 1 सितंबर को फिर से वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो जाएगी, तो उसे 20 सालों की पीस दी इस पीस ट्रीटी ने और कुछ भी नहीं करा। और आप देखोगे तो पीस ट्रीटी ने एक चीज क्या करी, रेडिकल नेशनलिज्म को जन्म दे दिया कि भाई फ्रांस जर्मनी तो ह्यूमिलेट हो गया था ना, ठीक है। और इसी का रीजन है कि अडोल्फ हिटलर राइज करे, ठीक है। सो हिटलर ने देखिए इस ट्रीटी को यूज करा था कि ये डिक्टेट है, वाइमर रिपब्लिक ने हमारी बेइज्जती करा दी, ज्यूज थे, हमारी आर्मी तो कभी हारी ही नहीं थी, ठीक है, हम वीवर अगर हम होते तो हम वॉर भी जीत जाते वर्ल्ड वॉर वन। सो यही रीजन होगा कि इम्पैक्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सेज जो सबसे बड़ा रीजन है वो आप कह सकते हो कि इट लेड टू वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है। सो हम इसे यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं लेक्चर को, आगे मैं राइज ऑफ हिटलर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा आप लेक्चर प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।